ट्विन फ्लेम कार्मिक पार्टनर के साथ कब तक रहते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही पर्सन के हायर सेल्फ को पता होता है कि कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है दोनों के बीच, पर एक ट्विन इसे समझते हुए जर्नी में लीड रोल प्ले करता है, वहीं अनदर ट्विन लॉजिकल होने की वजह से इस जर्नी को समझ नहीं पाता और ना चाहते हुए भी कार्मिक पार्टनर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है। और अगर ऑलरेडी मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप से निकल पाना चैलेंजिंग बन जाता है। और आज के वीडियो में बात करेंगे कितना टाइम लगता है इस सिचुएशन से बाहर आने में और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम कार्मिक पार्टनर के साथ जब तक ये तीन फैक्टर्स को फेस नहीं कर लेते तब तक बने रहते हैं। कौन से हैं ये थ्री फैक्टर्स? फैक्टर नंबर वन, ट्विन फ्लेम अपने कार्मिक पार्टनर के साथ तब तक बने रहते हैं जब तक उन दोनों के कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते। जैसे ही कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हुआ फिर इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाते हैं। पर यहाँ कार्मिक अकाउंट कितने दिन, महीने या फिर साल के हैं ये डिपेंड करता है ट्विन फ्लेम टू ट्विन फ्लेम। इसलिए हो सकता है किसी ट्विन का कुछ महीनों का कार्मिक अकाउंट हो और वो निकल आए कार्मिक पार्टनर से, या कुछ सालों तक भी ना निकल पाए। सो दैट्स डिपेंड ऑन देयर कार्मिक बैगेजेस। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट भी किया जा सकता है अगर आगे कोई नेगेटिव कार्मा ना क्रिएट करे तो। कार्मिक पार्टनर मिलते क्यों हैं ये भी पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कार्मा ऐसे हुए होते हैं जो सेटल होने ज़रूरी हैं। कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए भी कार्मिक पर्सन या कार्मिक पार्टनर मिलते हैं। पास्ट लाइफ के कुछ अकाउंट्स बाकी रह जाते हैं जिन्हें सेटल करना होता है, इसलिए कार्मिक पार्टनर्स मिलते हैं। तभी कहा जाता है कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स, वी शुड ऑलवेज डू गुड डीड्स। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता सेज यू हैव टू बेयर द फ्रूट्स ऑफ कर्मा, डू गुड डीड्स। इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए इनर वर्क बेहद जरूरी होता है ताकि कार्मिक कनेक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। फैक्टर नंबर टू, कार्मिक पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम तब तक बने रहते हैं जब तक वो बने रहना चाहेंगे। यस, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ट्विन्स फ्री विल। बहुत केसेस में ये भी देखा गया है डिवाइन मैस्कुलिन्स कार्मिक पार्टनर से डिटैच होने की हिम्मत नहीं कर पाते। दे वॉन्ट टू लीड सम टाइप ऑफ पेनफुल लाइफ सिचुएशंस ईयर बाई ईयर। एक पैटर्न की लाइफ स्टाइल को लीड करते करते उसी की आदत हो जाती है। इसलिए कुछ केसेस में डिवाइन मैस्कुलिन्स चाहकर भी अपने लिए खुशियां नहीं ढूंढ पाते। यहां भी डिवाइन फेमिनिन का इनर वर्क काम आता है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पॉजिटिव साइड में चेंज करने के लिए। चलिए देख लेते हैं फैक्टर नंबर थ्री, जो कि लास्ट फैक्टर है, क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइन टाइम इज ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल हियर। हमारे लाइफ में सभी कुछ ईश्वर की मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ आपको लग सकता है कि आपसे हो नहीं पाएगा, आपको लग सकता है सिचुएशन कभी चेंज हो नहीं पाएगा, पर यहां एक बात हम सबको पता है, आप सबको पता है, जहां पर हमारी कोशिश खत्म हो जाती है वहां से ईश्वर की मर्जी शुरू होती है। इसलिए आपके ट्विन फ्लेम कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो सबसे पहले आप इनर वर्क पे ध्यान दें, इनर वर्क करें, क्योंकि हम सभी ईश्वर से कुछ मांग सकते हैं। आप तभी ईश्वर से कुछ मांग सकते हैं जब हमारी अपनी कोशिश हमने कर रखी हो, ठीक है ना। उसके बाद गॉड अपना काम जरूर करेंगे। तो ये था वीडियो। अगर आप भी जानना चाहते हैं आप किस पर्सन से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, क्या वो आपके कार्मिक पर्सन तो नहीं, क्या वो आपके वाकई ट्रू ट्विन फ्लेम है, क्योंकि देयर इज वेरी थिन लाइन गैप बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक पर्सन, तो एक कंफर्मेशन जरूरी है करवाना। इसके साथ ही अगर आप कंफर्म्ड हैं कैसे किया जाता है इनर वर्क, अगर आपको सीखना है, या फिर आप किसी भी लाइफ सिचुएशन में हैं, आप गाइडेंस चाहते हैं, या फिर लव रिलेटेड, जरूरी नहीं आप ट्विन फ्लेम हो सकता है आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो,
अगर लव रिलेटेड कोई एंगल है, कोई इशू है, वो आप अगर शेयर करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, या अगर करियर रिलेटेड रीडिंग चाहिए, तो मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर ध्यान दीजिएगा, मेरी सोल फैमिली पर्सनल रीडिंग आपको भी 24 आवर्स मिलते हैं, मुझे भी वही। पर्सनल रीडिंग पेड होगा, पेड होता है, क्योंकि उसमें टाइम लगती है, मेरी एनर्जी लगेगी, इसलिए ये बात ध्यान में रख के ही मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, डायरेक्ट फोन प्लीज ना करें। इसके साथ ही मैं आप सबको, सबके लिए, आप बहुत जल्द इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करें, ढेरों आपके लिए शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि जो भी मेरे वीडियो को सुन रहा है वो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि इन दैट वे आपने भी इस वीडियो को फ्री में सुना, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शंस नहीं आपने किया है तो एनर्जी कहाँ पे? आपकी एनर्जी भी तो मुझे चाहिए, है ना, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच इन एंटिसिपेशन, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बिग थैंक, और अगर नहीं किया है, मुझे पता है आप कर लेंगे आज नहीं तो कल, लेकिन अभी कर लीजिए, कल करिए सो आज कर। तो इसीलिए ये वीडियो यहीं पे अब एंड करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।